इस कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को समुद्र में डूबते हुए देखते हैं। वो किसी तरह अपने आप को एक लकड़ी के सहारे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हम मेजी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने कुछ दोस्तों को समुद्री शिकारियों की कहानियाँ सुना रही होती है कि बहुत साल पहले समुद्री जानवर तट पे आके सब कुछ तबाह कर देते थे। कोई भी जहाज समुद्र में जाने से डरता था, लेकिन शिकारियों के आने से आज वक्त बदल चुका है, क्योंकि वो ऐसे बहादुर हैं जो उन्हीं के इलाके में जाके उनसे जंग करते हैं और एक एक करके उन सारे डरावने जानवरों को खत्म करते हैं। उन शिकारियों के सबसे महान जहाज का नाम तूफान था और सबसे महान शिकारी उसका कैप्टन क्रो था। तभी वहाँ पे उन बच्चों की मेड आ जाती है। वो उन सबको जल्दी से चुपचाप सो जाने को कहती है। मेड के वहाँ से चले जाने के बाद मेजी चुपके से वहाँ से भाग जाती है और अगले सीन में हम तूफान जहाज को देखते हैं और वहीं हम उस जहाज के कैप्टन क्रो को भी देखते हैं। उसके साथ जेकब भी होता है। जेकब वही बच्चा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में पानी में डूबते हुए देखा था। उसे उस दिन कैप्टन क्रो ने बचा लिया था और तब से लेकर आज तक वो उसी के साथ रहता है और उन समुद्री जानवरों का शिकार करता है। और आज वो लोग समुद्र के सबसे बड़े जानवर रेड ब्लस्टर को मारने आए थे। कुछ दूर पे उन्हें रेड ब्लस्टर के होने का एहसास होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से परिंदे मंडरा रहे थे। वहाँ कैप्टन की सबसे वफादार दोस्त सारा आती है, जो उन्हें बताती है कि वो रम पेपर आइलैंड को पार कर चुके हैं और उनका जहाज अब ड्रैगमो सी की तरफ बढ़ रहा है। पर तभी उन्हें वहाँ से कुछ दूर पे अपने साथी शिकारी का एक जहाज दिखाई देता है और शायद उस पे समुद्री जानवर ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो डूबने वाला होता है। पर कैप्टन क्रो उनकी मदद करने के चक्कर में अपने शिकार रेड ब्लस्टर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन्हें आगे बढ़ते रहने का आदेश देता है। पर जेकब उससे कहता है कि शिकारियों का एक कानून है कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कैप्टन क्रो उसकी बातें मानकर अपने जहाज को उन शिकारियों की तरफ मोड़ लेने को कहता है और इसके बाद सब उनकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं और बहुत जल्द वो उन शिकारियों तक पहुंच भी जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक खतरनाक जानवर ने हमला किया होता है, पर तूफान को आता देख वो जानवर वहां से जाने लगता है और वो जानवर अब तूफान के पीछे ही पड़ा हुआ था। सारे शिकारी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि वो उस जानवर को मार सके। सब उस पे तोपों और गोलियों से हमला करने लगते हैं, पर इन सबका उस पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर अचानक से वो पानी के अंदर कहीं गायब हो जाता है। पर तभी अचानक से उनकी सिप के नीचे से वो जानवर बाहर आता है और तूफान पे हमला करने लगता है। वो अपने टेंटिकल से सबको पकड़कर मारने वाला होता है, पर जेकब उन सबको छुड़ाने में उनकी मदद करता है और उसके एक हमले से वो जानवर वापस से पानी में चला जाता है। पर अचानक से उसके एक हमले से जेकब पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कैप्टन क्रो एक बड़े से भाले को लेकर उसकी गर्दन पे वार करता है, जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है। पर उसके डूबने से पहले कैप्टन उसकी सींग काटकर निशानी के तौर पे ऊपर शिप पे ले आता है। पर इन सब में उनका जहाज अब पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और उनका शिकार रेड ब्लस्टर भी उनके हाथ से अब जा चुका था। वो वहां से वापस घर जाने लगते हैं ताकि वो जहाज को रिपेयर करवा के फिर वापस आकर रेड ब्लस्टर को पकड़ सके। रात में कैप्टन जेकब से बात करता है और कहता है कि उसने इस जहाज के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है, पर इस जहाज ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। और उसके जाने के बाद वो जेकब को उस जहाज का कैप्टन बनने को कहता है। जेकब उससे कहता है कि वो अपनी जान पे खेलकर इस जहाज की हिफाजत करेगा। और अगली सुबह वो अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। शहर के सभी लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। वहाँ मेजी भी आई होती है। वो जाकर किसी तरह जेकब से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि उसने उनकी सारी कहानियां पढ़ी है और वो भी उनके जैसा ही एक शिकारी बनना चाहती है, क्योंकि उसके माँ बाप भी एक शिकारी थे और उन जानवरों से लड़ते लड़ते ही वो मारे गए। वो भी जेकब के साथ ही उसके जहाज पे जाना चाहती थी, पर जेकब उसे ये बोल के मना कर देता है। इस पर मेजी उससे कैप्टन क्रो से जाकर बात करने को कहती है, पर जेकब उसे पकड़कर एक गाड़ी में बिठा देता है और उसे उसके अनाथ आश्रम छोड़ आने को कहता है। अगले दिन कैप्टन क्रो जेकब और सारा के साथ राजा के महल में जाता है ताकि उन समुद्री जानवरों को मारने के लिए अपना इनाम हासिल कर सके। पर वहाँ की रानी उनसे कहती है कि उन्हें रेड ब्लस्टर को मारने को कहा गया था और उनके जनरल के मुताबिक वो लोग रेड ब्लस्टर को पकड़ने ही वाले थे, पर उन्होंने उसे जाने दिया। वहाँ के राजा ने अब एक नया जहाज बनाया था जिसे वो जनरल लीड करने वाला था और अब वो उन शिकारियों को समुद्र में जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था। पर कैप्टन इस बात से गुस्सा हो जाता है। तभी जेकब उन्हें शांत करते हुए राजा से एक आखिरी चांस उन्हें देने को कहता है ताकि वो रेड ब्लस्टर को पकड़ सके और जनरल भी अपनी तरफ से इस नए जहाज से उसे पकड़ने की कोशिश कर सकता है और जो भी उसे पहले पकड़ के ले आएगा उसी की बात मानी जाएगी। राजा इसके लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद कैप्टन अपने मिशन पे निकल जाता है
और वो लोग रेड ब्लस्टर को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। कैप्टन क्रो सबको मोटिवेट करता है कि वो उस शैतान को जरूर पकड़ कर लाएंगे। इसके बाद सब वहाँ पे जश्न मनाने लगते हैं। तभी वहाँ के एक ड्रम में उन्हें मेजी मिलती है। उसकी बातें सुन के कैप्टन उससे इम्प्रेस होता है और सारा को उसे यहाँ के तौर तरीके सिखाने को कहता है। सारा उसे एक कमरे में ले जाकर सोने को कहती है और उसे एक छोटी सी चाकू भी देती है ताकि जब कभी जरूरत हो तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। उनका जहाज अब काफी दूर आ चुका था और वहीं उन्हें रेड ब्लस्टर के आने का एहसास होता है। वो सब उस पर हमला करने की तैयारियां करने लगते हैं। उन सबको अब रेड ब्लस्टर अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था और तभी वो अचानक से उन पे हमला कर देता है। सारे शिकारी उस पे भाले से हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से उनका जहाज उसके साथ अटैच हो जाता है और अब उनका जहाज रेड ब्लस्टर के बिल्कुल पीछे पीछे जा रहा था। वो रेड ब्लस्टर एक जगह पे पहुंचकर गोल गोल घूमने लगता है और जहाज को पानी के अंदर खींचने लगता है। जेकब कैप्टन से रस्सी को काट देने को कहता है क्योंकि वो लोग डूबने वाले होते हैं, पर कैप्टन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है और वो उस पर अपने भाले से हमला करने ही वाला होता है कि तभी मेजी वहाँ की रस्सी को काटने लगती है जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है। वो जेकब से मेजी को रोकने को कहता है लेकिन जेकब भी देखता है कि उनके लोगों की जान खतरे में है, इसीलिए वो उसे रोकता नहीं है और रस्सी के कटते ही जहाज सीधी हो जाती है, पर जेकब और मेजी दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। वो दोनों एक छोटी बोट पे सवार हो जाते हैं। कैप्टन गुस्से में जेकब को मेजी को उसके पास लाने को कहता है। तभी उनके नीचे से रेड ब्लस्टर निकलता है और उनको बोट के साथ ही निकलकर वहां से पानी के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेकब और मेजी उस जानवर के मुंह के अंदर बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं और इसी दौरान वो उस जानवर की नाक के पास पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो जानवर एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। जेकब उस जानवर को मारने का सोचता है पर मेजी उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वो जानवर जोर से छींकता है जिससे वो दोनों उस आइलैंड पे आकर गिरते हैं और वो जानवर उस जंगल के अंदर चला जाता है। रात में वो दोनों वहीं छुपकर आराम करते हैं। इधर कैप्टन क्रो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके हाथ से आया हुआ शिकार चला गया था और उनका जहाज भी अब बहुत डैमेज हो चुका था। कैप्टन सारा को जहाज मुकेश आइलैंड की तरफ मोड़ देने को कहता है। सुबह जब मेजी उठती है तो उसे वहां पर ब्लू कलर का एक छोटा सा जानवर दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है क्योंकि वो उसे बहुत क्यूट लग रहा था। वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसका नाम ब्लू रखती है। तभी उसके पैर के नीचे किसी जानवर का एग आ जाता है और वहां पे वैसे बहुत सारे एग्स होते हैं। जेकब वहां आकर उसे निकालने की कोशिश करता है और वो उस ब्लू जानवर को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, पर वहां से निकलते हुए जेकब उन सारे एग्स को तोड़ देता है जिसमें से बहुत सारे पीले पीले जानवर निकलते हैं जो उनके पीछे आने लगते हैं। तभी वहां पे उन सारे जानवरों की माँ आती है और ये दोनों किसी तरह अपने छोटे से बोट पे बैठकर भागने लगते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे से एक बहुत बड़ा सा समुद्री केकड़ा उन पे हमला करता है। वो जेकब को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर रेड ब्लस्टर आ जाता है जो उससे लड़कर इन्हें बचाने लगता है, पर रेड ब्लस्टर उसके आगे कमजोर पड़ रहा था। तभी जेकब अपने भाले से उस पे हमला करता है और फिर रेड ब्लस्टर उसे पकड़कर वहां से दूर फेंक देता है। जेकब को मेजी वहां पे कहीं मिल नहीं रही होती है। तभी वो देखता है कि ब्लू मेजी को पानी के बाहर निकाल लाया है। वो दोनों अब अपने छोटे से बोट पे बैठकर वहां से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। मेजी अब रेड ब्लस्टर को इशारों में बताकर उन्हें यहां से उनके आइलैंड पे ले जाने को कह रही होती है और तभी रेड उनकी बोट को अपने ऊपर उठा लेता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। जेकब को ये सब देखकर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जानवर उनकी मदद कर रहा है। जेकब अपने मैप के डायरेक्शन में रेड को मुड़ाने की कोशिश करता है पर वो रेड को समझाने में नाकाम रहता है। फिर मेजी अपने अंदाज में उसे समझाती है जो उसे अच्छे से समझ में आ जाती है और रेड उनके मुताबिक उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। मेजी को रेड के पीठ के ऊपर बहुत से तीर और भाले फंसे हुए दिखाई देते हैं जिन्हें वो निकालने की कोशिश करने लगती है। इधर कैप्टन क्रो तब तक मुकेश आइलैंड तक पहुंच चुका होता है। वो वहां ग्वेन बेटरबी नाम की एक चुड़ैल से मिलने आया था ताकि वो रेड ब्लस्टर को मारने के लिए उससे एक शक्तिशाली हथियार हासिल कर सके। वो चुड़ैल उसे एक पावरफुल हथियार देने को राजी हो जाती है जिसमें किसी भी बड़े से बड़े राक्षस को मारने का जहर होता है, पर इसके बदले में वो कैप्टन की सारी खुशियां छीन लेने की बात करती है। रात में जेकब मेजी की वो किताब को पढ़ता है जिसमें समुद्री जानवरों के हमलों के बारे में लिखा गया होता है, पर जेकब को वो कहानियां सच्ची नहीं लगती है क्योंकि उसने कभी ऐसे टापू का नाम नहीं सुना था जिसे समुद्री जानवरों ने तबाह किया हो। बहुत सारी बातें उसमें ऐसी लिखी थी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेजी उससे कहती है कि लोग इस किताब पे भरोसा करते हैं और इसीलिए उन्हें ये समुद्री जानवर बुरे लगते हैं,
पर क्या पता इन जानवरों ने कभी ये जंग शुरू ही ना किया हो। जेकब को अब विश्वास होने लगता है कि वो समुद्री जानवर बुरे नहीं होते हैं। अब वो लोग ड्रेगमो आइलैंड तक पहुंचने वाले होते हैं। रेड उन्हें वहां उतार देता है, पर उसके जाने से पहले जेकब रेड ब्लस्टर से वादा करता है कि वो आज से कभी भी समुद्री जानवर का शिकार नहीं करेगा। वो ब्लू को भी वहीं उसके साथ छोड़ देते हैं। मेजी रेड से गले मिलकर उसे वहां से जाने को कहती है। तभी रेड उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है। वहां राजा के जनरल का जहाज होता है, जिसे देखकर रेड ब्लस्टर भड़क जाता है और वो उस जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। जहाज की आर्मी उस पर हमला करने लगती है। जेकब और मेजी रेड को रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं, पर इसमें मेजी घायल होकर वहीं गिर जाती है। और तभी रेड ब्लस्टर एक ही झटके में उस जहाज के दो टुकड़े कर देता है और वो जनरल को मारने ही वाला होता है। पर तभी वहां पे कैप्टन क्रो अपने जहाज को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर रेड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख वो लोग अपने हथियार में जहर भरने लगते हैं, और जैसे ही रेड उनके नजदीक आता है वो उस हथियार से उस पे हमला कर देते हैं। रेड वहीं पे बेहोश हो जाता है, पर कैप्टन उसे मरने नहीं देता है और वो जहर वाला तीर निकाल लेता है, क्योंकि वो उसे पकड़कर जिंदा राजा के पास ले जाना चाहता था। और इसके बाद वो सब उसे चारों तरफ से मोटे मोटे रस्सियों से बांध देते हैं। तभी कैप्टन अपनी तरफ एक बोट आता हुआ देखता है, जिसमें जेकब और मेजी होते हैं। कैप्टन को ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। मेजी का वहां अच्छे से इलाज किया जाता है। जेकब को वापस से जिंदा देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वो रेड को अपने शिप से खींचते हुए अपने राज्य में ले जा रहे होते हैं, और अगली सुबह वो अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां के सारे लोग रेड ब्लस्टर को पकड़ा हुआ देखकर खुशियां मनाने लगते हैं। वहीं हम ब्लू को देखते हैं, जो उस जहाज के पीछे पीछे ही वहां तक आ गया था। वो जाकर मेजी को उसके कमरे से निकाल देता है। वो वहां से बाहर निकलकर देखती है कि रेड बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लगती है और जाकर उसके रस्सी को काटने की कोशिश करती है। इधर राजा और रानी कैप्टन क्रो के इस बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। कैप्टन उन सबके सामने ही रेड को मारने वाला होता है, पर जेकब वहां आकर उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसे ऐसा करने नहीं देगा। पर कैप्टन उस पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर बहुत जल्द कैप्टन उसे हराकर पानी में गिरा देता है। तभी सारा आकर मेजी की मदद करती है और वो रस्सी को एक ही झटके में काट देती है। और अब रेड ब्लस्टर भी जागने लगता है, जिसकी वजह से मेजी और सारा पानी में गिर जाते हैं। रेड के जागने की वजह से वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने आर्मी को उसके ऊपर हमला करने का आदेश देता है। तभी रेड ब्लस्टर कैप्टन को देखता है, जो वहां से भाग रहा होता है। वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे एक झटके में वहां नीचे गिरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मेजी आकर उसे रोक लेती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जेकब भी उसके पास आ जाता है और वो वहां पड़े भाले को उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि आज से समुद्री जानवरों का शिकार बंद। वो दोनों रेड ब्लस्टर के ऊपर आ जाते हैं। मेजी वहां के सभी लोगों को बताती है कि उनकी किताबें में लिखा हुआ सब गलत है, वो बस एक झूठी कहानी है जिसे यहाँ के राजा सदियों से लोगों को बताते आ रहे हैं, ताकि वो शिकारियों को मरने के लिए समुद्र में भेज सके, जिनसे उनका ही फायदा होता है। वो सबसे इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने को कहती है। पर राजा गुस्से में अपने जनरल को जल्दी से उस पर हमला करने को कहता है, पर जनरल भी उस पर हमला नहीं करना चाहता था। और अब तो वहां के सभी लोग भी मेजी और जेकब का साथ दे रहे थे। वो सब रेड को वहां से सही सलामत जाने देने को कहते हैं, और इसके बाद जेकब और मेजी रेड को वहां से बाहर निकाल देते हैं। कैप्टन क्रो को भी अब एहसास हो गया था कि वो गलत सोचता था उन समुद्री जानवरों के बारे में, और उस दिन के बाद से शिकारी कभी भी उन समुद्री जानवरों के पीछे नहीं गए और जेकब मेजी के साथ ही रहने लगा एक परिवार की तरह। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।